हेलो एवरीवन, मेरे ग्रीन लाइजर में आपका मच वेलकम। और जो ये आज की वीडियो है ये संडे ओवरव्यू पर है, तो आइए मैं आपको दिखा के चलती हूँ। ये देखिए इतना खूबसूरत, ये गुड़हल का रेड कलर का, बहुत ही प्यारे लगते हैं। और ये देखिए एक ये खिला है इस पर, कितना सुंदर है। और सारे कलर के हैं, कई सारे कलर तो खिले हुए भी हैं आज भी। तो ये देखिए ये येलो कलर का है, तो ये भी खूबसूरत लगता है। और यहाँ पर है मजेंटा कलर का जो डार्क पिंक होता है, बड़े बड़े खिलते हैं इस पर। और देखिए एक इधर खिला हुआ है, तो ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। और एक कुछ कुछ ऐसा ही कलर, ये छोटा है, ये भी बहुत सुंदर लगते हैं, छोटे छोटे, मतलब बहुत छोटा भी नहीं है, अच्छा है, ठीक ठाक। और देखो कितने सारे इस पर भी खिले हुए हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं। देखो तो ये गुड़हल के मेरे पास बहुत सारे हैं, तो ये दो चार पर रोज़ खिलते ही रहते हैं। तो और ये देखिए ये हमारे यहाँ पर ये गुलाब भी खिल रहे हैं, तो ये एकदम येलो कलर का है, और देखो बाद में ये वाइट हो जाता। और ये यहाँ पर ये पिंक कलर, गाजरी कलर जो होता है, अभी खिलने वाला है। और ये देखो हमारे ये भी खिले हुए हैं, पर्सनल भी, और गेंदा भी खिल रहे हैं। ये देखिए जल्दी जल्दी दिखाती हूँ क्योंकि काफ़ी सारे हैं। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे खिल रहे हैं। और येलो कलर का इधर भी है गुलाब पर, ये ऑरेंज कलर का, ये देखिए कितने सुंदर लगते हैं भाई, ये बहुत ही अच्छे लगते हैं एक्जोरा के। और इधर हमारा ये पिटोनिया का भी खिला हुआ है, ये देखो। और इधर हमारी ये एक क्राइसैंथेमम जो गुलदाउदी कहते हैं, तो ये सेवंती भी कहते हैं इसको, तो कितने खूबसूरत ये खिले हुए, दो कलर है अभी खिले हुए मेरे पास। और यहाँ पर ये देखिए कितना प्यारा ये क्रोसेंड्रा का है, तो इस पर नई नई बंच भी आ गई है, बहुत ही सुंदर लगता है। अगर ऐसे प्लांट ले तो ये भी कई सारे कलर रंगों में आता है, तो ले सकते हैं। और ये देखिए मैक्सिकन पिटोनिया के भी अभी खिले ही रहे हैं ज़्यादातर ये। और इधर हमारे ये देखिए पेंटास की भी ब्लूमिंग अच्छी हो रही है, ये देखिए रेड कलर पे, इस पर काफ़ी अच्छे फूल दे रहा है ये भी, अभी भी देखो खिल ही रहा है, मतलब पूरा जो है इसे गर्मी बरसात हो गया और विंटर भी लग गया, अभी भी चली रही है। और देखिए इधर ये स्पाइडर वर्ट है, इस पर भी कितने खूबसूरत ये फूल आए हुए हैं, और पत्ती भी इनकी सुंदर लगती है। तो सभी ब्रांच, जितनी भी ब्रांच हैं, ये सभी पे फूल आए हुए हैं, तो ये भी आजकल खूबसूरत लग रहा है। और देसी गुलाब भी देखो खिल रहे हैं, ये मजेंटा कलर का है, और थोड़ा सा ये डबल शेड में हो जाता है बाद में, और पहले कुछ ऐसे होता है और फिर बाद में इस तरह से हो जाता है, कलर चेंज करता है ये भी। और ये देखिए ये गोल्डन थ्रेलिश है, ग्रीन पत्तियाँ और ये येलो कलर का, गोल्डन कलर का क्लोवर, ये बंचों में इन पे ये लगा ही रहता है 24 घंटे, तो ये मैं तो कभी देखती नहीं हूँ इसके बिना क्लोवर के, ये खिले ही रहते हैं। और यूफोर्बिया में भी ये देखिए कितना खूबसूरत फूल आता है, और बहुत सारे कलर रंगों में आते हैं, ये भी देखो कितने खूबसूरत आते हैं, तो ये भी बंचों में इस समय खिल रहे हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। और यहाँ पर देखना कुछ मनी प्लांट है मेरे, और जगह जगह रखे हुए हैं, और बहुत सारी वैरायटी के हैं। और ये देखिए टुपाई भी रखी है वाइट कलर की, ये अलग अलग प्लांट रखे हैं। और एक बास्केट इधर है छिपकली बेल की, बहुत सुंदर लगती है। और इधर हमारा एरोक्रिया, और उधर हमारा इंद्रकमल, और इधर ये जैस्मिन है, अभी भी इक्का दुक्का हरे हैं, ढूंढने पे फूल मिल जाते हैं वाइट कलर के। और यहाँ पे हमारा गुड़हल जो ये देखिए डबल पेटल में बहुत ही खूबसूरत लगता है ऑरेंज कलर का। और इधर हमारा ये मधुकामनी, ये देखिए अभी भी इस पर फूल आ रहे हैं वाइट कलर के, कम हो गए मगर आ रहे हैं अभी भी, तो ये भी बहुत अच्छा लगता है। और इधर मेरे टप में देखो पानी कम हो गया है इसमें, ये वाटर केव, ये बहुत सारा है मेरे पास, इधर भी रखा है, इधर भी रखा है। और इधर छोटी पत्ती का ये अमरूद है, चाइनीज अमरूद बोलते हैं। और इधर हमारे ये शिलोशिया का ये बीज से उग गया था, ये देखो, तो इस पर भी आने लगे फूल। और ये चाइनीज, और देखिए वेंडिंग जो कितनी खूबसूरत लग रही है, फैली हुई है, बहुत अच्छी लगती है। दो है, दो तीन कलर है मेरे पास, वाइट कलर में भी है। और यहाँ हमारे ये वेवी शनरोज की टपाई भी, तो ये वेवी शनरोज भी मैंने कई तरह से लगा रखी है, अलग अलग ढंग से,
और यहाँ ये चाइनीज पालक है, ये भी बहुत अच्छा चल रहा है। और इसके बीज नहीं, ये वो ब्रेशिल है, ये विदेशी ब्रेशिल है, तो इसको खाया जाता है सब्जी में डाल के, पकौड़ी में डाल के। और इधर ये पेंटस भी देखो खिल रहे हैं, बहुत सुंदर फूल अभी भी इसके। और ये देखिए तुलसी माता अभी तो ठीक ठाक चल रही है। और काफ़ी सारे प्लांट हैं, ये देखिए बहुत सारे हैं। और मैं इधर आ जाती और इन पे तो फूल चले गए, ये नहीं आ रही अभी इस पर, ये देखिए। और ये मेरा यहाँ पे ब्रोकन हार्ट, और यहाँ ये मॉस रोज की तरह होता है मगर इसमें छोटा सा फूल आता है। और ये ग्रीन कलर का बहुत सुंदर ये फैला हुआ होता है, ये ड्रेसिना। और यहाँ मेरा शिवन, ये भी मैंने दो तीन कटिंग से लगा दिया। फिर से देखो मनी प्लांट, ये मनी प्लांट बहुत सुंदर लगता है, ये फैलता है, ये एक ही कलर में होता है ग्रीन में। तो वैसे नॉर्मल में आपको वेरीगेटेड ज़्यादा मिलता है। और ये क्रीपिंग चार्ली जो कहते हैं उसको, तो देखो इसके ग्रीन ग्रीन पत्तियाँ गोल गोल सी खूबसूरत लगती हैं। और ये बास्केट पूरा भर गया। यहाँ मेरा वेरीगेटेड अरेलिया, ये देखिए ये भी बास्केट में है। और यहाँ ये शिंगोनियम कटिंग से लगा, ये भी बास्केट में है, कितना खूबसूरत लगता है। और ये देखिए ये लंबी पत्ती वाले, इनका नाम भूल जाती हूँ, ये भी बहुत अच्छे लगते हैं। दो कलर के हैं मेरे पास, एक ये है और एक ये डार्क कलर का है, ये बास्केट में है। तो ये छोटी पत्ती है थोड़ा सा इसमें, और इसमें ये लंबी और लाइट कलर का है, ये अलग कलर का है। और ये वाइट कलर का, ये वर्निंग जो मैंने ये कटिंग से लगा दिया है, ये हार डेफन भी किया। और ये देखिए कटिंग से कुछ प्लांट मैंने लगाए हैं। और यहाँ पर ये बहुत बड़े बड़े हो गए थे पोल का डोट के, तो ये मैंने कट कर दिए, ये कट कर दिए सारे मैंने बहुत। अब ये देखो कितने छोटे छोटे खूबसूरत सा है। और ये देखो ये, और यहाँ पर ये देखो फूल आ रहे हैं इस पर भी, ये वर्ट होता है जो स्पाइडर वर्ट। और ये अलग अलग बहुत सारे फूल रखे हैं, ये देखिए ये मदर थाउजेंड के, तो इतने फैल गए हैं मेरे गार्डन में, बहुत फैल गए। और मैंने कितने सारे निकाल दिए, अजवाइन की भी काफ़ी कटिंग लगा दी, ये भी फैले हुए हैं। और उधर ये देखिए कितने सारे प्लांट हैं। और ये देखिए ये कोलेश भी रखा हुआ है। और उधर ये देखिए ये होया प्लांट है, ये बहुत खूबसूरत लगता है, इसकी पिंक और ग्रीन पत्तियाँ बहुत प्यारी लगती हैं और थिक होती हैं, काफ़ी मोटी होती हैं, ये बहुत सुंदर लगता है। और उधर भी ये देखिए एक उधर है, ये भी बहुत अच्छा लगता है, ये वेरीगेटेड, ये देखिए। और इस पर ये वेरीगेटेड पत्तियाँ होती हैं, और इसी पर ये जब फूल निकल, वो पत्तियाँ निकलती हैं तो कितनी खूबसूरत लगती है, डार्क कलर की आती है। और इधर हमारा ये देखिए ये पेंसिल कैक्टस, और ये सब खड़े, ये काफ़ी सारे प्लांट है। ये देखिए ड्रेसिना, ये खूबसूरत है ये ड्रेसिना, ये कभी सूखता नहीं है, ग्रीन रहता है। हालांकि आजकल मेरे यहाँ काम हो रहा है तो इस वजह से मैं ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं कर पा रही, टाइम कम मिल पा रहा मेरे को। और ये देखिए ये हमारे फ्रिसिकोलियस, और एक ये पत्ती का बहुत सुंदर लगता है, ये ग्रीन साफ़ सुथरा सा बड़ा अच्छा सा लगता है। इसको मैंने धोया नहीं, साफ भी नहीं किया, तब इतनी सुंदर इसकी पत्तियाँ लीव्स होती हैं, बहुत प्यारा होता है। और ये हमारा ये डेविल्स बैकबोन, ये वेरीगेटेड है। और ये देखिए छोटी छोटी ये पत्ती वाला, ये बहुत सुंदर लगता है ये। और कलंचों के भी मेरे जगह जगह अब जो है ग्रोथ पकड़ लिए हैं इन्होंने काफ़ी सारे, तो जगह जगह रखे हुए हैं, ये भी मेरे काफ़ी जगह रखे हुए हैं तो ये भी चल रहे हैं। और ये बर्बीना है, तो ये बर्बीना के दो प्लांट हैं अभी फ़िलहाल मेरे पास। ये पोल का डोर देखो, ये मैंने कट कर दिया, तो इसमें छोटे छोटे ये सुंदर से ये प्लांट आ गए, बहुत सुंदर लगता है। और ये क्रोटोन है, पीले डॉट डॉट हैं, बहुत ही सुंदर लगता है ये। और ये देखो ये बोतल में कट करके लगाया था और कितना खूबसूरत लग रहा है, एक छोटी सी बोतल में भी कट के। और ये अलग अलग देखो मदर प्लांट के तो ऐसे फैले हुए हैं जैसे उसके कान होते हैं ना हाथी के, हेलीपैंट के इस तरह से लग रहे हैं। और ये जो है ये फिर से ये देखो पेंटस कितना खूबसूरत। और यहाँ पर ये हमारा वही लैला मजनू का, ये भी अच्छा चल रहा है, सारे प्लांट अच्छे चल रहे हैं इधर। और पर्सनल पे भी फूल आ रहे हैं देखो,
अलग अलग, ये देखो बेबी सनरोज भी काफ़ी फैला हुआ है, ये लाल बादशाह भी चल रहा है, अभी काफ़ी प्लांट हैं इधर के रखे हुए, ये देखो जल्दी जल्दी दिखा देती हूँ। और यहाँ पे ये यू फोल गया, ये छोटा वाला है, ये भी फूल आ रहे हैं, इस पर भी अच्छे लगता है। ये देखो इधर कुछ इस तरह से रखे हुए हैं प्लांट, ये सारे काफ़ी सारे प्लांट हैं मेरे यहाँ पे, अलग अलग नाम है इनके, लेकिन अब बहुत देर हो जाएगी। और ये देखिए ये पर्सनल कितने खूबसूरत लग रहे हैं अभी भी। और यहाँ ये देखिए सदाबहार, और ये कोलियस, कुछ काफ़ी सारे प्लांट हैं यहाँ पे, ये वेरीगेटेड है बिगोनिया। और यहाँ देखिए ऊपर की सीढ़ियों में भी ये कुछ इस तरह से रखे हुए हैं मेरे, ये देखिए कोलियस काफ़ी सारे हैं, वेंडिंग ज्यू, ये देखिए तरह तरह के, ये वहाँ से लेके वहाँ तक काफ़ी सारे प्लांट रखे हुए हैं मैंने। और कुछ प्लांट इधर भी हैं जैसे सदाबहार है, ये अलग अलग है, अलग अलग वैरायटी के, ये देखिए ये पर्सनल फूल अच्छे दे रहा है ये भी। और ये भी देखो इसे अलग अलग है, और ये इस पर भी फ्रूटिंग हो रही है, फूल तो आए हैं मगर इस पर कोई फ्रूट तो दिखाई नहीं दे रहा है चीकू पे। और ये देखिए सब इस तरह से यहाँ पे रखा हुआ है। और कुछ मनी प्लांट इधर भी है, देखो गोल्डन वाला, और इधर भी है, और ये टुपायरी है, इस पर भी फूल आ रहे हैं देखो, ये ब्लू कलर की, और ये शंखपुष भी है, तो ये टुपायरी है, इस पर भी आ रहे हैं। और कुछ देखिए नीचे भी कितने खूबसूरत यहाँ पर रखे हुए हैं, ये देखिए कुछ कोलियस हैं, कुछ ड्रेसिंग है, कुछ ये अलग अलग हैं, ये देखिए। और यहाँ पर वेरीगेटेड पर्सनल बहुत खूबसूरत लगता है, ये भी भर गया है पूरा। यहाँ पर रियो प्लांट की बास्केट, ये भी सुंदर लगते हैं। और ये है बेबी टीयर्स, ये भी फैला हुआ है, इसमें कितना खूबसूरत लग रहा है देखो। और ये अजवाइन की बास्केट, ये देखिए सब अलग अलग है। और ये बास्केट भी देखो ठीक ठाक चल रही है अभी तो। और यहाँ सीढ़ी में मेरे नीचे वाली में ये देखिए कोलियस रखे हैं, कुछ खूबसूरत पत्ती वाले, ये देखिए कितनी अच्छी लगती है ये पत्तियाँ इसकी। और अभी भी देखो कितना सुंदर लग रहा है, कटिंग से लगा सकते हैं अभी भी, तो ये कटिंग से बहुत जल्दी चल जाते हैं, बल्कि बरसात से ज़्यादा अब इनकी कटिंग लगाते हैं तो ये बहुत ईजीली चल जाते हैं। छोटी सी कटिंग ले लो, ये भी देखो सब कोलियस हैं मेरे ये वाले, और ये अलग अलग प्लांट है, ये देखिए कितने खूबसूरत से। और यहाँ पर हमारा ये गुलदावरी है, ये फूल खिल रहे हैं इसके सेवेंथ के, और ये लिली है, और यहाँ मेरा ये देखो ये अलग है, और ये ड्रेसिना है, ये एग्लोनिमा है पिंक वाला है। यहाँ फिर से कोलियस और सिंगोनियम कितना खूबसूरत, और यहाँ भी बहुत सारे प्लांट अलग अलग हैं मेरे, काफ़ी सारे हैं। और ये गुलाब जो बोलते हैं ग्रीन रहता है डार्क, ये भी बहुत अच्छा लगता है, इसकी पत्तियाँ और फूल तो नहीं आते बट ये बहुत सुंदर लगता है। और ये सिंगोनियम ये पिंक कलर का, और इस पर ये फोर ओ क्लॉक वाला जो आता है, इस पर इस समय फूल नहीं है। और ये देखिए फिर से कोलियस, बहुत सुंदर लगते हैं देखो कोलियस, बहुत सारे लगा रखे हैं मैंने कटिंग से, ये देखिए इसमें ये कटिंग से ही तैयार किए हैं अभी मैंने कुछ दिन पहले, तो इतने सारे एक ही गमले में मैंने बहुत सारी कटिंग लगा दी, तो कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए लंबी पत्ती है, कितने अच्छे लगते हैं ये पाम चाइनीज, और ये एग्लोनिमा चाइनीज, ये भी बहुत बड़ा सा है, बड़ा अच्छा सा हेल्दी सा चल रहा है, ये क्रोटन बीच में, और यहाँ सप्रेल वेरीगेटेड, और कुछ उधर भी रखे हैं अलग अलग है। ये देखिए मैं एकदम एक थोड़ा सा घुमा देती हूँ, ये देखिए ये भी कितना खूबसूरत लग रहा है। और इधर ये पानी वाले हैं सारे, कुछ मनी प्लांट्स हैं, कुछ अलग अलग है, पानी में भी हैं, कुछ अलग अलग ढंग से रखे हुए हैं, तो ये देखिए कितना अच्छा चल रहा है गार्डनिंग जो पानी के अंदर। और ये सिंगोनियम, और ये चाइनीज, ये मनी प्लांट है, ये देखिए अलग अलग हैं सारे, तो बहुत सारे हैं प्लांट के नाम भी नहीं बता सकती, इतने सारे कम से कम 400-500 प्लांट हैं। और अभी मैं आपको दूसरी साइड ले जाती हूँ, ये
इधर अब मैं दूसरी साइड में आ गई हूँ। ये देखो ये जटरूपा का इस पर अभी फूल आ रहे थे तो ये बन चाहिए थी, अभी अभी ये ख़त्म हो गया। तो ये भी खूबसूरत लगते हैं छोटे छोटे फूल। और इधर हमारा ये खूबसूरत पत्ती वाला प्लांट, ये कुछ लिलीज रखी हैं, कुछ मैंने सीड्स डाले हैं तो ये अलग अलग रखे हैं। और यहाँ पर ये देखिए, मैं जल्दी जल्दी दिखा दूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। ये देखिए इतने सारे प्लांट कुछ इस तरह चल रहे हैं, ये देखिए ये पोलका डॉट, ये लिली है। और ये देखिए यहाँ भी मेरे रखे हुए हैं ये इसके कॉलेज के, और यहाँ पर ये अलग अलग है। ये देखिए ये डहेलिया का है, और ये देखिए अलग अलग है सब। ये नाग चंपा, स्पाइडर, ये देखिए कुछ इस तरह के हैं, इधर भी काफ़ी सारे हैं। और देखिए थोड़े बहुत गुलाब भी खिल रहे हैं, ये कल इतना पीले कलर का था और आज देखिए ये लाइट कलर का हो गया। तो ये जितना मतलब पुराना होता जाएगा ये लाइट होता चला जाता है, और बहुत सुंदर लगता है इसका पीला कलर जब ये आता है। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।